आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाला गया, जिसमें मिंज स्टेडियम गोपालगंज से अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, कोषागार पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिले के कई पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें एनसीसी कैडेट और बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। अम्बेडकर चौक, घोष मोड़ तथा मोनिया चौक होते हुए प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में स्काउट गाइड की टीम ने अपना भरपूर सहयोग दिया। एसएस बालिका की गाइड लीडर श्रेया सिंह तथा डीएवी उच्च विद्यालय की बालिका खुशी सिंह और बीएम के प्रिंस कुमार, डीएवी मध्य विद्यालय के सुरेश कुमार अपने अपने विद्यालयों के छात्रों का नेतृत्व किया। सिधवलिया प्रखंड की उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिधवलिया के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर से प्रभात फेरी निकालकर बुचिया, मठिया टोला, सिधवलिया बाजार, सरकारी अस्पताल, कली टोला सहित कई जगहों पर भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रभात फेरी के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयकारे तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उनकी जीवनी पर नुक्कड़ नाटक तथा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। मौके पर एचएम सुनील यादव, सुमन कुमार, गीता देवी, श्वेता कुमारी, जितेंद्र यादव सहित कई छात्र छात्राएं शामिल थे। हथुआ में महावीरी आंकड़ा के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प में पुलिस ने वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों के आधार पर दोषी लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा भारी संख्या में जवान तैनात हैं। पुलिस की सक्रियता से स्थिति शांतिपूर्ण कायम कर ली गई। इस मामले में सोमवार को भारी संख्या में दोनों पक्षों के लोग शांति समिति की बैठक में शामिल हुए और एक दूसरे को गले लगाकर विवाद समाप्त करने तथा एकता और भाईचारा बनाने का संकल्प लिया। बताते चले कि महावीरी आंकड़ा का जुलूस चिकटोली मोहल्ला से निकल रहा था, इसी दौरान कुछ उपद्रवी तत्व के लोगों ने इन दोनों पक्ष के बीच हंसक झड़प हो गई। इनमें दोनों तरफ से कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला और भारी संख्या में जवानों को तैनात कर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्थिति को सामान्य करने के लिए कैंप करना शुरू कर दिया और समझा बुझा कर देर रात तक मामले को सुलझा दिया गया। अब पुलिस इसमें उपद्रवी तत्व के लोगों को पहचान कर कार्रवाई करने में जुट गई है। दोनों पक्ष से करीब 15-20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आर्केस्ट्रा का संचालन करने, डीजे बजाने और अश्लील प्रदर्शन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वाले आखड़ा संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और केस भी दर्ज होगा। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। 2 अक्टूबर 2023 को जिले के 91वें जिला स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अंबेडकर भवन गोपालगंज में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दिवस के शुभ अवसर पर बरौली विधानसभा सदस्य राम प्रवेश राय, अपर समाहर्ता आशीष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक, जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार, मद निषेध अधीक्षक राकेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता राधाकांत, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनंत कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS सीमा कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, DPM जीविका प्रियंका गुप्ता, DPM स्वास्थ्य धीरज कुमार, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, समारोह कर्मी एवं सम्मानित जिलावासी आदि उपस्थित रहे। कुचायकोट प्रखंड की भाटवा सिपाया कुनवा सड़क की बदहाली के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फिर सोमवार को फूट पड़ा। रविवार की रात हुई हल्की बारिश से गड्ढा रूपी सड़क पानी से भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयां होने लगी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सिपाया ढाले का पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सिपाया से भाटवा कोनवा तक जाने वाली सड़क की लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है और ये सड़क दियारा के कई गांवों, प्रखंड तथा जिला मुख्यालय को जोड़ती है।
इसी रास्ते ही राहगीर एवं छात्र छात्राएं कृषि विज्ञान केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थानों में पहुंचते हैं। लेकिन ये सड़क कई जगहों पर गड्ढों में तब्दील हो गई है। हल्की बारिश होने पर सड़क तालाब सा नजर दिखने लगता है। आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार धरना प्रदर्शन कर सड़क की मरम्मत की मांग की गई, लेकिन सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की इसकी अनदेखी करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अविलंब इस सड़क का मरम्मत किया जाए, नहीं तो ग्रामीण जन आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में चंदन तिवारी, पप्पू शुक्ला, शिवम कुमार, उमेश यादव, बुच्चन शुक्ला, विनय प्रसाद, राघव साव, केदारू बैठा, भुवन मियां, हीरालाल यादव, पवन सैनी, शंभू सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। कुचायकोट प्रखंड के इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज सासामूसा के प्रांगण में महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्राचार्य श्रीमती सुधा श्रीवास्तव और तमाम शिक्षकों ने चित्रण पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। साथ ही रंगोली बनाकर शहीद जवानों को नमन किया गया। मौके पर संयोजक मनीष कुमार मिश्रा, शिक्षक हसन इमाम, रिजवान अंसारी, प्रदीप कुमार, राजकिशोर प्रसाद सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। लायंस क्लब ऑफ माँ थावे भवानी का तीसरा स्थापना दिवस थावे दुर्गा मंदिर परिसर स्थित निजी होटल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इंटरनेशनल लायंस क्लब के डीजी विनोद अग्रवाल, प्रकाश नंदुगर्ग, प्रदीप खेतान, संजय अवस्थी व चार्टर अविनाश उपाध्याय आदि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद से अमीषा राज द्वारा ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रस्तुति की गई। इस दौरान उपाध्यक्ष गोविंद कुमार गुप्ता द्वारा एक वर्ष में दिए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान लायंस क्लब के सदस्यों को अग्रवाल द्वारा डायबिटीज किट, छाता व सिलाई मशीन देकर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर छपरा, गोपालगंज, सिवान, बेतिया व मीरगंज आदि क्लब के सदस्य भी उपस्थित रहे। मौके पर सीओ रजत कुमार बर्नवाल, अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, सचिव राजीव रंजन, कोषाध्यक्ष राम प्रजापति, प्रतीश कुमार सिन्हा, रंजन यादव, संजय कुमार तिवारी व डॉक्टर पीयूष आदि लायंस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। एडू हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। थावे स्थानीय प्रखंड के वृंदावन पंचायत की दलित बस्ती में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जनसंपर्क अभियान के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस जनसंपर्क में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुसुम देवी ने दलित बस्ती में महिलाओं के बीच कहा कि मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। मोदी जी का प्रयास है कि देश में कोई भी लोग विभिन्न योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना व आयुष्मान योजना से वंचित नहीं रहे। इसको लेकर जन जन तक जाकर भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम में सुदामा मांझी, सत्येंद्र सिंह, जनक किशोर, ममता शर्मा, संतोष सिंह, शैलेश तिवारी व गोलू कुंदन गुप्ता सहित स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपालगंज जिला मुख्यालय के परिसदन स्थित सभागार में जवाहर बाल मंच की एक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रतिनिधि सह जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ गोपालगंज परिसदन स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पण के साथ हुआ। सभा में मुख्य अतिथि जवाहर बाल मंच की बिहार राज्य प्रभारी डॉक्टर नम्रता सोनी तथा विशिष्ट अतिथि गोपालगंज के जिला प्रभारी गुंजन मिश्रा थे।
मुख्य स्वागतकर्ता डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह थे। अपने संबोधन में राज्य प्रभारी डॉक्टर नम्रता सोनी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आज पहले से ज्यादा है, क्योंकि देश में सत्ता के लिए हिंसा, घृणा और नफरत का सहारा लिया जा रहा है। मुल्क को मजबूत करने के लिए गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान और सार्वजनिक स्वीकारता के सिद्धांत को आगे बढ़ाना होगा। सादगी और शौर्य के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी के उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर सोनी ने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी भारत के दो महान रत्न थे। मौके पर धनंजय द्विवेदी, राजकुमार मांझी, प्रमोद दुबे, सिद्धार्थ कुमार मौजूद रहे। समकालीन अभियान के तहत माझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र छितौली गांव के वारंटी शेख मुन्ना नूरालम बहारन हुसैन को रविवार की रात्रि गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेजा। तीनों पर शांति भंग करने के मामले में भारतीय दंड विद्या की धारा 107 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पंचदेरी प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं, लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटवा, जमुनाहा, पुष्पक पब्लिक स्कूल, ब्रिंगिंग चक, स्काईलाइन पब्लिक स्कूल जमुनाहा, सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय जमुनाहा विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय नेहरुआ कला में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षक जनार्दन ओझा ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म को आत्मसात कर अपने जीवन काल में इस विचार की ताकत बापू ने दुनिया को महसूस भी कराई और अहिंसक सत्याग्रहों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश और दुनिया के मन में हमेशा के लिए रच बच गए। वहीं HM संजीव कुमार ने कहा कि देश में उथल पुथल, संकट और कई मोर्चों पर असमानता के चलते युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आती दुनिया में बापू के विचारों की कितनी जरूरत है, ये किसी से छिपी नहीं है। मौके पर DDO वीरेंद्र सिंह, संदीप पुष्पक, दीपक मिश्रा, राम प्रसाद पांडे, छोटेलाल प्रसाद, निर्मला शुक्ला, पुष्पा देवी, ममता श्रीवास्तव, सीमा देवी, प्रेम राय, अमरुद्दीन अंसारी आदि थे। रविवार की शाम गश्ती में निकली माझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र पुरानी बाजार के समीप सड़क पर शराब के नशे में हंगामा करते देख एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए शराब पीने की जांच कर सोमवार को जेल भेजा। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कानपुर गाँव के चंद्रिका प्रसाद के पुत्र संजय गौतम के रूप में की गयी है। भोरी ग्राम पंचायत राज सिसई स्थित पंचायत भवन पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार मिश्र उर्फ W मिश्रा के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर की गई एवं पंचायत में चल रहे विकास योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताया गया। मौके पर उप मुखिया मुकेश कुमार, पंचायत सचिव अभिषेक कुमार, कार्यपालक सहायक योगेश तिवारी, शिक्षक रामाशंकर प्रसाद, पंचायत के सभी सम्मानित वार्डगण व आम ग्रामीण जनता मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।